मधेपुरा सदर प्रखंड में सभी पद से उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल किया। बता दें कि मधेपुरा प्रखंड में सभी पंचायत उम्मीदवार सैकड़ों की संख्या में अपना नामांकन भरा और साथ ही साथ दर्शकों में भी काफी खुशी का माहौल बना हुआ था। सभी एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी जाहिर कर रहे थे। देखिए वीडियो में सभी पंचायत के प्रत्याशी क्या कुछ विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कौन सा पंचायत से? वार्ड सदस्य नॉमिनेशन दे के आए, क्या संदेश देना चाहेंगे वार्डवासियों को? ये संदेश है, अपने वार्ड का विकास करूँगा, अच्छा से सबका जो है काम, सबका पब्लिक का सेवा करेंगे, जो भी सब करते रहे। विकास तो सब करते हैं, कोई ऐसा काम बोलिए जो आपको जनता चाहे। कोई भी जैसे दुर्गा जैसे पब्लिक मतलब पब्लिक का पर जो होता है कोई भी तरह का काम, जैसे कि पेंशन, वृद्धा पेंशन वगैरह है, वृक्षारोपण हुआ, बहुत तरह का ऐसा ऐसा पब्लिक का जैसे काम होता। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार यादव। पंचायत से सर, मथाई पंचायत, क्या संदेश देना चाहते हैं? मथाई पंचायत नगर मुखिया बनेंगे, मथाई पंचायत का सभी जनता का स्वागत करेंगे। क्या नाम है सर? अविंदर यादव। सर, 5 साल के लिए जो मौका आपको देंगे, आप जनता के लिए क्या काज करेंगे? जो भी लाभ होता है कहाँ से आए सर? कौन सा पंचायत? मदनपुर पंचायत। क्या जनता देंगे? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश यही देना चाहेंगे कि हम पे थोड़ा सहयोग करें, हम अपना जो है ना धर्म निभाएंगे, अच्छा ढंग से काम करेंगे, इसीलिए हम खड़ा हुए हैं। क्या नाम है? सुंदर पंडित। पंचायत से है? क्या चीज़ से नॉमिनेशन दिए है? समिति से नॉमिनेशन दे के निकले हैं, क्या संदेश देंगे पंचायत वासियों को? क्या संदेश देना चाहते हैं पंचायत वासियों को? पंचायत वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं, जो भी विकास होगा मैं उनको परिपूर्ण रूप से मैं धरातल पर आगे करूँगा, और उसके बाद जो है जितने भी ग्राम में कोई भी प्रोग्राम होगा, कोई भी कार्य होगा, मैं उनको जो है तो अच्छे ढंग से करना चाहता हूँ और धांधली खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में बहुत से काम है जिसमें पूरे से धांधली होती है और पूरे से पैसे को गमन कर लिया जाता है, इसी को मैं कहते हुए। कहाँ से आए आप? वार्ड नंबर जी, क्या नाम है आपका? मदन कुमार यादव। 5 साल के लिए जब जनता आपको चुन रहे हैं, जनता के हित में क्या काज करेंगे आप? जनता जो 5 साल के लिए आपको मौका दे रहे हैं, इसके जनता के हित में क्या काज करेंगे आप? क्या नाम है? किस चीज़ का नॉमिनेशन दिया है? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मदद करेंगे और उसको कदम से कदम मिला के चलेंगे, एक पैसा उससे हम नहीं लेंगे, उसको ईमानदारी से काम करेंगे। कौन सा पंचायत है आपका? दुर्गा। वार्ड नंबर? 11। क्या नाम है? भजनदार। गीता देवी, और मैं उम्मीद से नॉमिनेशन दिया हूँ कि जनता जो चुना है, जनता जो उम्मीदवार बनाया है, सरकार का, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो भी राशि है धरातल तक पहुंचने का काम नहीं होता है, हमको जनता आशा और विश्वास के साथ यह उम्मीद से खड़ा किया है कि वह राशि को धरातल तक पहुंचाने का काम करेगा। क्या नाम है आपका? संदेश देना चाहते हैं वार्डवासियों को? वार्डवासियों को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि मैं जिस समान अभी मैं सेवक के रूप में आपके पास जा रहे हैं, उसी तरह आप लोगों के आशीर्वाद मिला, चुनाव जीतने के बाद मैं 5 साल आपका सेवक बन के रहूँगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश मंडल। किस चीज़ का उम्मीदवार हैं आप?
जनता 5 साल के लिए आपको जब मौका देंगे, जनता के लिए क्या काज करेंगे आप? जनता के लिए अभी भी जनता सेवा कर रहे हैं, अभी भी वैसे भी तो जनता सेवा करना जी। क्या नाम है आपका? कौन सा पंचायत? वार्ड नंबर 13 रांची से नॉमिनेशन दिए वार्ड सदस्य जी। नॉमिनेशन देके निकले हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं वार्ड वासियों को? एक मिनट, मैं इनका पति हूँ। हाँ हाँ, आप रांची से नॉमिनेशन दिए है? मेरा पति जो है ना वार्ड सदस्य नॉमिनेशन दिए। नॉमिनेशन देके निकले, क्या संदेश देना चाहते हैं वार्ड वासियों? देखिए, मैंने 5 साल में रहा, वीडियो बना रहा है, बहुत काम किया वीडियो बना रहा है, और उसी तरह मैंने भी 5 साल और जो पब्लिक अगर चाहेंगे उससे ज़्यादा काम करेंगे। कौन सा वार्ड है? पंचायत में किन मुद्दों को लेकर आप जो है इस बार चुनाव में अपना नामांकन दाखिल किया? पंचायत को लेकर आप विकास के काम करेंगे? विकास के मुद्दे पर हम किस पद से नामांकन दाखिला किए हैं? पंचायत समिति से। कौन सा पंचायत है? मधुबन पंचायत। इधर देखिए, इधर जनता आपको 5 साल में तो जनता के लिए पंचायत में चला पड़ेगा, उसका क्या रखेंगे? जनता के लिए हरेक काम करेंगे, घर तक सब कुछ पहुँचाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजा। कौन सा पंचायत है? बालम रैया। क्या नाम है, नाम क्या? नाम रंजन कुमार। कौन सा पंचायत माला का? कौन सा पंचायत से? सुखासन पंचायत से। नॉमिनेशन देके निकले हैं, क्या संदेश देंगे पंचायत वासियों को? पूरे पंचायत वासियों को ये देखेंगे, जो जितना युवा है सब कर्मठ है, सब सबको चाहिए रोजगार, सबको चाहिए एकदम गांव जो मेरा है एकदम गली। रांची से नॉमिनेशन दे वार्ड सदस्य, क्या संदेश देना चाहते हैं? परिवार नहीं होना चाहिए, हम हर व्यक्ति को हर संभव जो भी योजना है पहुंचाने का कोशिश करेंगे, और इसी तरह अभी सेवा में भी हैं, स्वास्थ्य विभाग से हम हैं, स्वास्थ्य विभाग का सेवा करते हैं, प्रैक्टिस डॉक्टर भी हैं, ठीक है, प्रैक्टिस से डॉक्टर भी हैं, और अपना वादी में रखते हैं, जनता का सेवा करने के लिए मौका मिले हमको एक बार, और मौका का खड़ा उतरेंगे हम समाज में, और इस मौका मिल जाए तो हम जो भी सोचेंगे अगला कदम उठाएंगे, लाभ आएगा आएगा हर व्यक्ति को, संपूर्ण कोशिश करेंगे उसका हक उसके मिले। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। कौन सा पंचायत है आपका? मठाई पंचायत। वार्ड नंबर 7। प्रैक्टिस से डॉक्टर हैं हम। पंचायत वासी को क्या संदेश देना चाहते हैं? किससे नॉमिनेशन दिए? सरपंच से। नॉमिनेशन दे के आए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं पंचायत वासी? हम समाज सेवा करना चाहते हैं, और नीचे स्तर से हम सभी का सेवा करना चाहते हैं हार्दिक। मैं खोपेटी तुनियाही पंचायत के सरपंच पद के महिला उम्मीदवार आशा देवी का पति हूँ। मैं समाज में सेवा करने आया हूँ, समाज में जातिगत दीवार और सामाजिक विषमता को ध्वंस करने के लिए आया हूँ। आज के डेट में मैं दुनिया पंचायत को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि जो संघर्ष किया है उसको वोट दे, जो काम करे, जो सरपंच के कुर्सी पर बैठकर सरपंची कर सके, ऐसा व्यक्ति जो गरीब से लेके अमीर के बीच में कोई मसला पैदा हो तो उसे समस्या का सही निदान करे, मेरा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है, सामाजिक विषमता और जातिगत दीवार को ध्वंस करेंगे और समाज से गलत तबके लोगों के साथ लड़ने का काम करेंगे, हम लोग किसी के प्रभाव में नहीं आएंगे, सच्चा काम करने का संकल्प करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ तमाम खोपेटी दुनिया ही के मतदाताओं को मेरा प्रणाम तहे दिल से। क्या चीज़ से चुनाव लड़ रहे हैं? पंचायत समिति से पंचायत समिति से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा? अरे यार,
मुद्दा है सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। क्या संदेश देना चाहते हैं पंचायतवासियों को? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों का दुआ मिला, हमें आशीर्वाद मिला, अगर हमारी जीत हुई तो जनता के हर एक काम के लिए हम अपना तन मन धन लगा देंगे। क्या नाम है आपका, क्या चीज़ से? किस चीज़ का उम्मीदवार हैं आप? वार्ड 10 से, एक से। जनता को क्या, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश देंगे कि जो भी काम है विकास के लिए, सब करने के लिए उम्मीदवार बने हैं, आगे जो भी काम होगा सब पूरा करेंगे। जब जनता आपको 5 साल के लिए मौका देंगे तो जनता का क्या पहला काम क्या होगा आपका? जनता का विकास, जो गली नाली है, रोड, जो रोड गली नाली है, रोड है, इंदिरा आवास है, जो भी है सारा सब काज पूरा करेंगे। आप जब ये वादा कर रहे हैं चुनाव समय में, क्या वादे को पूरा कर पाएंगे? जितने के बाद वादे वादा जरूर करेंगे, लेकर के जनता तक फिर अगली बार मौका नहीं देंगे। आपका क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? कौन सा पंचायत आपका? वार्ड नंबर, वार्ड नंबर 1। क्या संदेश देना चाहिए? हम हर व्यक्ति को हर संभव जो भी योजना है पहुँचाने का कोशिश करेंगे, और इसी तरह अभी सेवा में भी हैं, स्वास्थ्य विभाग से हम हैं, स्वास्थ्य विभाग का सेवा करते हैं, प्रैक्टिस डॉक्टर भी हैं, ठीक है, प्रैक्टिस से डॉक्टर भी हैं, और अपना वादी में रखते हैं जनता का सेवा करने के लिए। मौका मिले हमको एक बार और मौका का खड़ा उतरेंगे हम समाज में, और इस मौका मिल जाए तो हम जो भी सोचेंगे अगला कदम उठाएंगे। लाभ आएगा, आएगा हर व्यक्ति को, संपूर्ण कोशिश करेंगे उसका हक उसके मिले। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। कौन सा पंचायत है आपका? मठाई पंचायत। वार्ड नंबर 7। प्रैक्टिस से डॉक्टर हैं हम। आ9 भारत के लिए अमीर आजाद की रिपोर्ट।